वीडियो में दिख रहा ये है मोहम्मद कमाल, जिसे वक्त रहते पुलिस ने धर दबोचा। वजह है, मोहम्मद कमाल ने अपने सगे भाई आदिल के साथ मिलकर बिजनौर की एक नहीं बल्कि तीन मजारों में तोड़फोड़ की। और तो और प्लान यही था कि इस बात को जंगल में आग की तरह फैला दिया जाए, ताकि ये लगे कि भगवाधारी कांवड़ियों ने मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ को भी जला दिया। इन लोगों से जो पूछताछ अभी तक की गई है, प्रारंभिक पूछताछ से यह प्रकाश में आया कि 11:30 बजे दिन में भी इन लोगों ने एक मजार जो कि शेरकोट कस्बे में है, वहाँ भी तोड़फोड़ की गई थी, जो कि किसी के संज्ञान में नहीं है। ये पूरी घटनाक्रम ये दर्शाता है कि प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास पुलिस ने विफल किया है। जलाल शाह की मजार पर तोड़फोड़ की, भूरे शाह की मजार पर तोड़फोड़ की, कुतुब शाह की मजार पर तोड़फोड़ की गई। पुलिस को शक है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करने का वीडियो वायरल करवाना, कमाल ने भगवा पगड़ी पहनकर तोड़ने का वीडियो बनाया, मजार पर तोड़फोड़ के लिए कांवड़ियों को जिम्मेदार ठहराते। कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी यूपी में बवाल मचना तय था। धार्मिक भावनाएं भड़कती तो कांवड़ियों पर हमला मुमकिन था। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी में दंगा और फसाद होता। मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बिजनौर की तीन मजारों में तोड़फोड़ के पीछे गहरी साजिश है, और उस साजिश का सबसे बड़ा सबूत है भगवा पगड़ी पहनकर कमाल का मजार पर तोड़फोड़ करना। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कमाल ने भगवा पगड़ी पहन रखी है। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो दोनों व्यक्ति सगे भाई हैं तथा इनकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष है, और इनका नाम क्रमशः कमाल और आदिल है। इन लोगों ने भगवा रंग का साफा भी पहन रखा था। कुछ र्यूमर्स ये भी उड़ी थी कि धार्मिक ग्रंथ को भी क्षति पहुंचाई गई है, जो कि वहां जाकर धार्मिक गुरुओं के साथ देखा गया तो किसी तरह की कोई क्षति धार्मिक ग्रंथों को नहीं पहुंची है। बिजनौर के दंगाई ब्रदर्स की गिरफ्तारी को यूपी पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है। मतलब ये कि दंगाई ब्रदर्स की करतूत का वक्त रहते पर्दाफाश नहीं हुआ होता तो प्रदेश का माहौल बिगड़ना तय था। मरम्मत कब हुई? ये हमने कल ही रात पुलिस प्रशासन के द्वारा सब में सहयोग करके हमने रात ही करवा दी गई। तो आप देख सकते हैं कि रात ही माहौल में कोई तनाव ना बने, इसीलिए इस पूरी मजार को रात में ही तैयार करा दिया है पुलिस प्रशासन ने। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि पता चल सके कि अगर दो भाई मोहरा हैं तो साजिश के पीछे असली चेहरा किसका है। हालांकि पूछताछ के दौरान अब तक कमाल और आदिल लगातार जांच टीम को गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा, आज तक।